रणवीर सिंह नहीं बनेंगे अजीत डोवाल। आदित्य धर ने रिसेंटली एक्टर रणवीर सिंह के साथ एक मल्टी स्टारर फिल्म की अनाउंसमेंट की, जिसके बाद फिल्म में रणवीर के रोल को लेकर बातें शुरू हो गई। लोगों ने स्पेकुलेट किया कि आदित्य की फिल्म में रणवीर अजीत डोवाल के कैरेक्टर में नजर आएंगे, जो फिल्म के लिए बहुत अहम होगा। पर लगता है कि ये सिर्फ अफवाह भर थी, क्योंकि रणवीर नहीं बल्कि कोई और एक्टर फिल्म में अजीत डोवाल के रूप में रिपोर्टेडली आएंगे नजर। वेल, फिल्म मेकर आदित्य धर ने 27 जुलाई को अपनी अगली फिल्म कंफर्म की, जिसमें रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल दिखाई देंगे। इसी के साथ उन्होंने इन एक्टर्स के साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पोस्ट की, जो विद इन नो टाइम हो गई वायरल, जहां इस फिल्म का शूट पिछले हफ्ते से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वहीं फिल्म को लेकर बाकी सभी डिटेल्स को अंडर रैप्स रखा गया, पर रिपोर्ट्स की माने तो ये एक पीरियड एक्शन थ्रिलर होगी, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के बैकड्रॉप पे सेट है। सुनने में ये भी आया है कि रणवीर सिंह फिल्म में अजीत डोवाल के रोल में हैं और उनके जवानी के दिनों को पोर्ट्रे करेंगे, जबकि ये अपकमिंग फिल्म अजीत डोवाल की लाइफ को टच करती है। फिल्म में रणवीर सिंह ये कैरेक्टर नहीं कर रहे हैं और आर माधवन ये किरदार प्ले करते नजर आएंगे। एक सोर्स ने कहा, इट इज आर माधवन हु प्लेज द कोवेटेड पार्ट, ही विल हैव अ कूल डिफरेंट लुक इन द फिल्म एंड इट्स समथिंग दैट द एक्टर इज एक्साइटेड अबाउट, लाइक ऑलवेज ही इज गिविंग हिज हार्ट एंड सोल टू दिस रोल एज वेल, द मेकर्स आर कॉन्फिडेंट दैट इट्स समथिंग टू वॉच आउट फॉर। वही फिल्म में कैरेक्टर का नाम अजीत डोवाल होगा या किरदार सिर्फ उनसे इंस्पायर्ड होगा, इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। साथ ही रणवीर सिंह के कैरेक्टर को लेकर भी अभी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। मेकर्स ने ये भी क्लियर किया कि कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, फिल्म का नाम धुरंधर नहीं है, इंस्टेड अभी ये फिल्म अनटाइटल्ड ही है। इस फिल्म से जुड़ी और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे।